किंग्स बैंक में लूट हुई है। इसी बीच एक बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, हथियारबंद आधा दर्जन लुटेरों ने की है लूट, बंदूक के दम पर लूट कर ले गए हैं 45 लाख रुपए। एक बैंक कर्मचारी के घायल होने की भी सूचना है। कोतवाली पुलिस लुटेरों की तलाश में जुटी है। इस वक्त की ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, बंदूक के दम पर 45 लाख रुपए लूट लिए गए हैं। एक बैंक कर्मचारी के घायल होने की सूचना है। चित्तौड़गढ़ के निम्बाहेड़ा में एक्सिस बैंक में लूट, हथियारबंद आधा दर्जन लुटेरों ने लूट के घटनाक्रम को अंजाम दिया है। बंदूक के दम पर 45 लाख रुपए लूटे गए हैं। चित्तौड़गढ़ के निम्बाहेड़ा में एक्सिस बैंक में ये लूट हुई है। ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, हथियारबंद आधा दर्जन लुटेरों ने लूट के इस पूरे घटनाक्रम को अंजाम दिया है। बंदूक के दम पर 45 लाख रुपए लूट कर ले गए हैं बदमाश। एक बैंक कर्मचारी के घायल होने की भी सूचना है। कोतवाली पुलिस लुटेरों की तलाश में जुटी है। दिन दहाड़े इस पूरे घटनाक्रम को अंजाम दिया गया है। बड़ी घटना है, बड़े सवाल उठेंगे इससे, और देखना यह कि आखिर इन आरोपियों को अब कब तक पकड़ा जाता है, किन परिस्थितियों में इस पूरे घटनाक्रम को अंजाम दिया गया है, क्या ये तमाम घटनाक्रम सीसीटीवी में कैद हो पाया है, कितने की संख्या में ये एग्जैक्टली थे, किस तरीके से इस पूरे घटनाक्रम को अंजाम दिया गया है, कई सारे सवाल। चित्तौड़गढ़ के निम्बाहेड़ा में एक्सिस बैंक में ये लूट की घटना, हथियारबंद आधा दर्जन लुटेरों ने लूट की घटना को अंजाम दिया है। बंदूक के दम पर 45 लाख रुपए लूटे हैं। और दीपक व्यास हमारे सहयोगी ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ इसी खबर पर। दीपक, बड़ी घटना को अंजाम दिया गया है, 45 लाख रुपए दिन दहाड़े लूटे गए हैं, क्या कुछ जानकारी आपके पास इस पूरे मामले में? बिल्कुल खुशी, मैं आपको बताना चाहूंगा कि चित्तौड़ के निम्बाड़ा में एक्सिस बैंक में लूट हुई है। और लुटेरों के हौसले इतने बुलंद थे कि दिन दहाड़े भी घटना को देने में अंजाम देने से नहीं जीत के 45 लाख रुपए की लूट बताई जा रही है। बंदूक की नोक पर ये लुटेरों ने एक्सिस बैंक में लूट की है। पुलिस अधीक्षक दीपक भार्गव वहां पर मौके पर पहुंचे हैं और किसी तरह से अनुसंधान किया जा रहा है और नाकाबंदी कर पुलिस लुटेरों की जांच में जुटी है। जी, कर्मचारी वगैरह क्या अंदर मौजूद थे, क्या कुछ जानकारी मिल पाई है, क्योंकि कहा यह जा रहा है कर्मचारी घायल हुए हैं? बिल्कुल, एक कर्मचारी के घायल होने की सूचना है। बताया जा रहा है कि एक कर्मचारी घायल हुआ है और कहीं ना कहीं बैंक मैनेजर ने सूचना दी और सूचना के बाद पुलिस तुरंत मौके पर पहुंची और पुलिस अनुसंधान कर रही है। जी, क्या इस पूरे घटनाक्रम में सीसीटीवी में सब कुछ कैद हो पाया है, दीपक, जानकारी मिल पाई है? ये तो खुशी मालूम बाद में पड़ पाएगा कि सीसीटीवी में अभी सारी होश पोश उड़ गए सभी बैंक कर्मियों के और पुलिस मौके पर पहुंची, पुलिस अधीक्षक मौके पर है और जांच कर रहे हैं। जी दीपक, इस पूरे घटनाक्रम में बंदूक के दम पर 45 लाख रुपए लूट लिए गए हैं, जो कर्मचारी वहां पर मौजूद थे, अब पुलिस मुमकिन है उनसे भी पूछताछ करेगी, क्योंकि इस पूरी परिस्थिति में ये तो तय है कि ये क्या प्रोफेशनल्स थे, क्या कुछ पता चल पाया इस बारे में, ये हथियार भी लेकर आए थे? निश्चित ही खुशी कहना चाहूंगा कि निम्बाड़ा में जो लूट हुई है कहीं ना कहीं हौसले बड़े बुलंद थे लुटेरों के और बंदूक की नोक पर ये लूट बताई जा रही है और इसी के तहत जिला पुलिस अधीक्षक दीपक भार्गव मौके पर पहुंचे और मौके पर ही है वो और कहीं ना कहीं जांच में जुटे हैं। जी दीपक, इस पूरे घटनाक्रम में जांच भी होगी, और जो ये बैंक है ये किस तरह का इलाके पे ये बैंक मौजूद है, क्या यहाँ पर अक्सर भीड़ होती है, किस तरह का ये इलाका है जहाँ पर ये बैंक मौजूद है, ये भी बताएं। बिल्कुल, निम्बाड़ा के बिल्कुल मेन मोहल्ले में ये बैंक स्थित है और पूरा घनी आबादी वाला क्षेत्र है, उसके बावजूद लुटेरों के हौसले इतने बुलंद थे कि लूट की है। जी चलिए, लगातार नजर रहेगी, बड़ी खबर रही है। बहुत बहुत शुक्रिया दीपक आपका इन तमाम जानकारियों के लिए। तो ये पूरा घटनाक्रम अंजाम दिया गया, 45 लाख रुपए लूटे गए हैं, एक बैंक कर्मचारी घायल है। बहरहाल अब देखना ये होगा कि और क्या कुछ जानकारी मिल पाती है और किस तरीके से इस पूरे घटनाक्रम को अंजाम दिया गया है, ये बड़ा सवाल है। मेरे साथ इस बुलेटिन